सऊदी अरब के शहर रियाद में बंधक बने हुए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के 13 युवकों में से उपमंडल सुंदरनगर के 4 और युवकों की 2 महीने का समय जेल में बिताने के बाद वतन वापसी हो गई है। सुंदरनगर के मलोह निवासी देवेंद्र कुमार व ललित कुमार, जड़ोल के प्रेम सिंह और फागला के मनोज कुमार के घर पहुंचने पर उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं 6 युवक अभी भी विदेश में हैं, जिनमें से 3 जेल में हैं और 3 ठेकेदार द्वारा जबरन काम पर लगाए हुए हैं। वतन वापसी कर घर पहुंचे प्रेम सिंह व देवेंद्र कुमार ने कहा कि एजेंटों द्वारा उनसे 90,000 रुपए लेकर टूरिस्ट वीजा पर सऊदी अरब भेजकर धोखाधड़ी की गई थी। उन्होंने कहा कि जेल में उनके बिताए हुए 2 महीने जीते जी नर्क में जीने के बराबर थे। ये समय वह जीवन भर कभी नहीं भुला पाएंगे। सऊदी अरब की जेल में बंद लोगों को सिर्फ मांसाहार ही खाने को परोसा जाता है और शाकाहारी लोगों को केवल चावल खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह विदेश में रोजगार के लिए जाने से पहले जांच लें कि उन्हें भेजने वाले एजेंट पंजीकृत हैं या नहीं और उन्हें वर्क परमिट पर ही विदेश भेजा जा रहा है या नहीं। अभी 3 बंदे हमारे अंदर है, रविकांत और विक्रम चंद्र भूपेंद्र कुमार, बाकी 4 बंदे हमारे बाहर है। उनमें से एक श्यामलाल है जो वहाँ से बाहर है, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं और हमारे साथ है। बाकी भूपेंद्र क्या बोलते हैं देवेंद्र कुमार और तनुज कुमार और श्यामलाल और पवन कुमार वो बाहर है। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि वो उसको जल्द से जल्द वहाँ से लाया जाए। और जो अंदर है रवि कुमार, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और 2 महीने से उनको ऊपर हो गया है। बाकी जो बाहर के बंदे उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है वहाँ। जो आपने 2 महीने का वहाँ पे समय बिताया है, किस तरह से बिताया? वो तो सर बहुत ही कष्ट आया था, उसके बारे में तो अब हम क्या बताएं। लेकिन जैसे भी टाइम निकला, बहुत ही मुश्किल से हमें टाइम निकाला वहाँ पे। हमारी सरकार ने जो मदद की उसके टाइम है बहुत, और जो हमारे बंदे बसे हमारी रिक्वेस्ट है कि टाइम से उनको निकाला जाए वहाँ पर, ना कोई मेडिकल सुविधा है ना वहाँ पर रहने से ना कोई, और बस यही है हमारी कि टाइम से ना उनको निकाला जाए बाहर बस। अभी 1 हफ्ता हुआ आके, अभी हम 4 लड़के आए हैं और 3 लोग अभी जेल में हैं, उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और 3-4 लड़के अभी मालिक के पास है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, उनको भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए। और हम यहाँ भारत सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए और एजेंट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे साथ ऐसे ही धोखाधड़ी की है। उनके साथ जो आपने जेल में समय बिताया है 2 महीने 1 दिन का, किस तरह से बिताया वहाँ? मतलब हमने जेल में लगभग 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगाया है। उसके बाद हम वापस इंडिया में सरकार के थ्रू वापस आए हैं। एक दिन कैसे बिताया जेल में? हमने एक बहुत मुश्किल से एक दिन जेल में बिताया। उसके अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छी सोने की अच्छी सुविधा नहीं थी, पानी की बहुत कमी थी वहाँ पे, हर एक बंदे को टॉर्चर किया जाता था और बहुत दिक्कतें थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी वहाँ, टॉयलेट की भी बहुत सारी दिक्कत थी, कपड़े धोने की भी बहुत सारी दिक्कत थी वहाँ पे, बहुत ना वहाँ पे कोई भी अच्छी सुविधा नहीं थी, ना मेडिकल की अच्छी सुविधा है वहाँ पे, कोई भी अच्छी सुविधा नहीं थी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट।